हिट एंड रन कानून के चलते ड्राइवरों ने चक्का जाम कर दिया था। सरकार के आश्वासन के बाद हड़ताल वापस ले ली गई है। ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर कहते हैं कि सरकार ने सही समय पर बेहतर कदम उठाया है। सरकार के द्वारा हिट एंड रन कानून लाया गया था। हिट एंड रन कानून के विरोध में ड्राइवरों ने देश भर में चक्का जाम कर दिया था। देशव्यापी हड़ताल की गई, जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए गए, जाम लगाया गया। बस चालक, ट्रक चालक, टैंकर चालक जोरदार तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि सरकार हिट एंड कानून वापस ले। इस हड़ताल में ऑटो चालक भी कूद पड़े थे। सरकार ने बातचीत की और बातचीत के बाद एसोसिएशन को आश्वासन दिया, बिना बातचीत के ये कानून लागू नहीं होगा। अभी कानून लागू नहीं किया गया है। सरकार के आश्वासन के बाद हड़ताल वापस ले ली गई। सड़कों पर वाहनों के पहिए फिर से घूमने लगे। ड्राइवर भी इसे सरकार का बेहतर कदम बता रहे हैं। कानून वापस हो गया, ये बड़ी राहत की बात है। अगर ये कानून रहता तो यानी हम लोग यानी गाड़ियां नहीं चला पाते, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता। ये सरकार ने कानून वापस ले लिया तो ये बहुत अच्छी बात है। सब ड्राइवर भाइयों को बहुत नुकसान होता, काम छोड़ना पड़ता ये। हाँ, कोई भी काम करने के लिए राजी नहीं होता। घर बैठना बहुत बेरोजगारी हो जाती, दूसरा काम करना पड़ता है। कोई दूसरा काम करना पड़ता। हाँ, बड़ी राहत मिल गई है कानून, सरकार ने कानून वापस ले लिया तो। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मानना है सरकार ने सही समय पर बेहतर कदम उठाया है, अन्यथा स्थिति और अधिक बिगड़ सकती थी। देश में जरूरी चीजों की किल्लत शुरू हो जाती, महंगाई भी बढ़ जाती। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा सरकार का आभार जताया जा रहा है और मांग की जा रही है कि इस कानून को भविष्य में लागू नहीं किया जाए। ये बहुत बड़ी राहत की बात है, सरकार ने समय से इस कानून को वापस लिया है। इसके लिए हम सरकार के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि इससे हमारे ड्राइवर भाई घर बैठ जाते और उनको रोजगार की समस्या पैदा होती, क्योंकि ऐसे स्थिति में वो काम नहीं कर सकते थे। देश को भी नुकसान होता, देश को तो करोड़ों रुपए का दो दिन में नुकसान हो गया, कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ होगा, चाहे टोल टैक्स, चाहे गाड़ियों की किस्तें, जिस तरह ढुलाई वगैरह सब रुकता है काम, तो पहिया थम जाता है तो पूरे देश को नुकसान होता है। अगर लंबी चलती हड़ताल बहुत लंबा नुकसान होता और शायद देश की अर्थव्यवस्था पे एक ट्रांसपोर्ट व्यवसाय एक देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी है। महंगाई बढ़ जाती, किल्लत हो जाती, दूध की किल्लत हो जाती, सब्जियों की किल्लत हो जाती और बिल्डिंग मटेरियल वगैरह सब की किल्लत होती है। इसमें हमारे ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के सभी पदाधिकारी गण और भारत सरकार के सचिव जो माननीय गृहमंत्री द्वारा नियुक्त किए गए हैं, उन सब का हम बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन करते हैं कि समय से उन्होंने लोगों की परेशानी को समझते हुए इसको वापस लिया। सड़कों पर हादसों को रोकने के लिए सरकार नया हिट एंड रन कानून लाई थी, जिसमें 10 साल की सजा और 7 लाख के जुर्माने का प्रावधान था। इसी के विरोध में ट्रक चालकों ने हड़ताल कर दी थी, हालात बिगड़ने लगे थे। हिट एंड रन कानून के बाद ड्राइवरों में खासा गुस्सा व्याप्त हो गया था। समूचे देश में चक्का जाम हो चुका था, जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे। ड्राइवरों ने कामकाज पूरी तरीके से ठप कर दिया था, जिससे तमाम सारी चीज़ों की किल्लत शुरू होने लगी थी। ऐसा माना जा रहा है यदि हड़ताल लंबी खिंचती तो तमाम सारी चीज़ों का संकट खड़ा हो जाता, देश की अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ा जाती, महंगाई भी आसमान छूने लगती। समय रहते सरकार ने बातचीत का रास्ता अपनाया और कहीं ना कहीं इस कानून को टाल दिया गया है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग कहते हैं कि सरकार ने बेहतर कदम उठाया है। इस तरीके के कानून से बड़ा नुकसान देश की अर्थव्यवस्था को होने वाला था। ड्राइवर भी यही कहते हैं। ड्राइवर कहते हैं इस कानून के बाद उन्हें घर बैठना पड़ता या फिर दूसरा काम शुरू करना पड़ता। अपने साथी अगर दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा। आगरा के सबसे लोकप्रिय चैनल सी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।